समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी में उन्होंने मेघावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों के पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने टॉपर बच्चों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में ईडी एक थाने की पुलिस की तरह काम कर रही है। जैसे थाने की पुलिस सरकार के हिसाब से चलती रही, उसी तरह ईडी भी चल रही है। भाजपा के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से भाजपा अपने सभी सांसदों को टिकट काटने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है, वो देश खुशहाल कैसे होगा। यूपी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहा है विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर्स कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वह बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। पिछले विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? ये पीडीए एक होगा। कांग्रेस में तब पूजा बंद की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा बीजेपी इसका। आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जानकारी कहाँ से मिली है। कई बार प्रशासनिक तरीके से प्रशासन अपने आप निर्णय लेता है, तो किसी सरकार पर ये आरोप लगाना या 30 साल पुरानी बात को उठा करके खड़ा करना, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं, और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे कि कहाँ लड़े जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। क्या 24 के इलेक्शन में ईडी जो है यूपी में भी देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अगले जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सही मौका है? देखिए, कौन वहाँ बनेगा, कौन पहुँचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में लेके सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर ना बनता। बीएससी कह रही कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करेंगे, लेकिन आपके साथ सुप्रीम कोर्ट को बधाई। बीएससी कह रही कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे लेकिन सपा के साथ नहीं, तो आप गठबंधन? ये अपने आप में एक हिंदी में वो कहावत नहीं है, चंडू खाने की गप। ए पत्रकार साथी, इस तरह की खबरें मत लाओ। अखिलेश जी, 31 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा हुई है और जिस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री थे 1993 में, तब पूजा बंद की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा बीजेपी। देखिए, आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जानकारी कहाँ से मिली है। कई बार प्रशासनिक तरीके से प्रशासन अपने आप निर्णय लेता है, तो किसी सरकार पर ये आरोप लगाना या 30 साल पुरानी बात को उठा करके खड़ा करना, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं, और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लड़ें जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है।
क्या चौकी।